हेलो एवरीवन। तो आज है आप लोग का मॉक टेस्ट यूपीएससी पीएफओ एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे आपको टोटल 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपके सिलेबस से सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, स्पेशल से कोई सब्जेक्ट हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, करेंट अफेयर, सारी चीज़ों को इसमें लिया गया है। और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एग्जाम का लेवल होता है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट हूबहू आपको एग्जाम में भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, 2004 से 17 के बीच में जितने भी ईपीएफओ के पेपर हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए, सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस टेस्ट बनाई गई है, और जिससे कि मैं मॉक टेस्ट करा रही हूँ आप लोगों को। और मैंने भी वैसे आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ भी गलत होने वाला है। रीजनिंग और मैथ्स को छोड़ करके मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, और रीजनिंग में मुझे लगता नहीं है कि किसी को कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत होती है। वो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है, और आपका तर्क शक्ति कितना स्ट्रांग है वो उस पर डिपेंड करता है, और सभी कोई कर लेता है, आप सभी लोग तेज हैं भाई। और जहाँ तक मैथ्स का सवाल है, तो मैथ्स मैंने पढ़ाई नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, वो मुझे टाइम भी नहीं मिला है। और इंग्लिश जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो गैप सेक्शन इंग्लिश में होता है, सिनोनिम, एनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, वो सारी चीज़ें मैंने करा दी है क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। इतना वर्ड किसी को याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने करा दिया हुआ है। और उसके बाद जो ग्रामर में पूछता है, इंग्लिश में पूछता है, वो है ग्रामेटिकल एरर। वो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं और हर किसी को वो सारी चीज़ें आती होगी। कंप्रिहेंशन भी स्टोरी हर कोई कर लेता है। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपको प्रीपोजिशन, कंजेक्शन, ये सब आपके बचपन से ही तैयार हुए होंगे, तो ये भी हर ही कोई कर लेता है, आप लोग कर ही लेंगे। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश में, वही मैंने कराया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। और जैसे कि आपका 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को करिएगा। 2 घंटे आपको मिलते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल टाइम आप मत लीजिएगा टेस्ट देने के लिए। चलिए, गुड लक आज के मॉक टेस्ट के लिए भी और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन है, इस ये ईडियम है जिसका मीनिंग आपको बतानी है इन 4 ऑप्शन के थ्रू। सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़िए, द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हर्ट्स कंटेंट। बताइए, टू हिज हर्ट कंटेंट ये जो ईडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए, ओनली अप टू हिज लेग्स। ऑप्शन बी, टिल ही वॉज कंप्लीटली सिक। ऑप्शन सी, एज मच एज ही वॉन्टेड टू। एंड ऑप्शन डी, अवॉइडिंग गेटिंग टू वेट। मीनिंग आप लोगों ने ढूंढ लिया इस ईडियम का। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एज मच एज ही वॉन्टेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप और वर्ड्स गिवन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सेंटेंस है जिसका वन वर्ड आपको ढूंढना है। सेंटेंस है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर। बताइए किसमें मापते हैं, थर्मोमीटर में, अल्टीमीटर में, बैरोमीटर में, या फिर अमीटर में? आंसर कर दिया आप लोगों ने, सही जवाब होगा बैरोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायरेक्शन 3 to 7, ये कंप्रिहेंशन है, और 3 to 7 आपको ऑप्शन मिलेगा जिससे कि इस स्टोरी को आप फील करेंगे। कंप्रिहेंशन में पहले एक चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए, पहले तो फटाक से तो पूरी स्टोरी आप पढ़ लीजिए डैश के साथ में, इससे आपको स्टोरी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या फील है, क्या डिमांडिंग है फील करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक एक बार पढ़ के फिर उसको फील करना होता है। ये चीज़ें बहुत जल्दी में करनी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इसको पॉज करके एक बार ज़रूर से पढ़िए। डस्क सेट्स इन एट दी वरा गलियर एलिफेंट कैंप डीप विद इन दी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ANN होगा यहाँ पे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यानी ATR। इट्स डिनर टाइम फॉर दी 25-year-old टस्कर एंड हिज डैश बॉल्स मेड ऑफ स्टीम्ड रागी फ्लोर मिक्स्ड डैश समराइज ग्रीन ग्रैम शॉल्ट एंड जगरी डैश आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डैश अराउंड इंक्लूडिंग वी गणेशन द फील्ड डायरेक्टर डैश ATR। स्टोरी आपने पढ़ लिया, तो चलिए अब फील करना शुरू करिए। डस्क सेट्स इन एट दी वरगलियर एलिफेंट कैंप डीप विद इन दी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यानी ATR। इट्स डिनर टाइम फॉर दी 25-year-old टस्कर एंड हिज डैश बॉल्स। ही इसके बाद क्या होगा, बॉल्स के पहले क्या होगा? तो चलिए 3 पे पहले चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फिट, फीट, फीडिंग या फिर फिट्स। क्या हो सकता है यहाँ पे? तो आपका आंसर होना चाहिए फेड होगा, ऑप्शन ए फेड। यहाँ पे इट्स फेड बॉल्स मेड ऑफ स्टीम्ड रागी फ्लोर मिक्स्ड डैश, मिक्स्ड डैश, मिक्स के बाद क्या होगा और समराइज के पहले क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे फ्रॉम है, ऑफ है, विथ है, बाई है, क्या फील कर सकते हैं आप?
मिक्स के बाद सही जवाब होगा विथ, विथ ऑप्शन सी विथ। एंड हिज फिट बॉल्स मेड ऑफ स्टीम डागी फ्लोर मिक्स्ड विथ सम राइस, क्या बना सेंटेंस राइस के साथ, विथ सम राइस, ग्रीन ग्रैम, शॉल्ट एंड जगरी, डैश आर हाफ अ डजन। आर किसके बाद आर लग सकता है, किसके बाद आर वर्ब यूज हो सकता है, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? तो फाइव ऑप्शन देखिए, नाउ हियर, देयर, एवरीवेयर या फिर हियर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी देयर। किस किस के सही हो रहे हैं, यहाँ पे होगा देयर आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डैश अराउंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अराउंड से पहले क्या होगा, पर्सन होगा, एम्प्लॉय होगा, मिनिस्टर्स होगा या फिर ऑफिशियल्स होगा? आंसर होगा ऑफिशियल्स होगा, ऑप्शन डी। देयर आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स अराउंड इंक्लूडिंग वी गणेशन द फील्ड डायरेक्टर डैश अन्नामलाई रिजर्व। डायरेक्टर के बाद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलिए, ऑन होगा, ऑफ होगा, अमंग होगा या फिर बिटवीन होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए ऑफ होगा, ऑफ अन्नामलाई रिजर्व, टाइगर रिजर्व, डायरेक्टर ऑफ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई। डस्क सेट इन एट द वरागलेर एलिफेंट कैंप डी विन द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इट्स डिनर टाइम फॉर द 25 ईयर्स ओल्ड टस्कर एंड हीज फेड बॉल्स मेड ऑफ स्टीम रागी फ्लोर मिक्स्ड विथ सनराइज ग्रीन ग्राम शॉल्ट एंड जगरी, देयर आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल अराउंड इंक्लूडिंग वी गणेशन द फील्ड डायरेक्टर ऑफ ATR। तो ये किसके किसके सही हुए, 3 to 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब इस सेंटेंस में आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है जिससे कि ये सेंटेंस खराब हो जा रही है जिस एरर की वजह से, ठीक है। एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड, तो बताइए क्या एरर है, हैड स्टार्टेड, द शो, एंटरिंग या फिर द हॉल में कुछ गड़बड़ है? आंसर कर दिया आप लोगों ने, सही जवाब होगा ऑप्शन ए had started, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस में ये यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है, इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो यहाँ पे क्या चेंज होना चाहिए, वो इस तीन ऑप्शन की जगह के जरिए आप अपना आंसर करिए। और अगर इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस पढ़िए, स्कार्सली हैड ही गॉन आउट देन अ क्लाइंट केम टू मीट हिम। तो आपको इस पूरे सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा क्या यहाँ पे लग रहा है जो चेंज होना चाहिए? आंसर कर दिया आप सभी लोगों ने, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे देन की जगह पे वेन का यूज होना चाहिए तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा। स्कार्सली हैड ही गॉन आउट वेन अ क्लाइंट केम टू मीट हिम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, एट्रीब्यूट का सिनोनिम क्या होगा, एट्रीब्यूट का पर्यायवाची क्या होगा, मिलता जुलता वर्ड क्या होगा, जिन दोनों जिनका एट्रीब्यूट का मीनिंग और उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। रिस्पेक्ट है, स्पीच है, प्रेस है या फिर क्वालिटी है? आंसर करिए, सही जवाब होगा क्वालिटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनिम्स, विलोम शब्द बताइए, डेफिसिट का विलोम क्या होगा, एनोनिम क्या होगा, डेफिसिट, अधेयर होगा, क्रेडिट होगा, सरप्लस होगा या फिर रिमूव होगा? आंसर कर दिया आप लोगों ने, सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरप्लस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फील इन द ब्लैंक्स, फीलिंग द ब्लैंक्स करनी है आपको, सेंटेंस पढ़िए, कलर्स दे से हैव द पावर टू काम पैसिफाई एंड रिलैक्स, दे कैन एनर्जाइज एक्टिवेट एंड डैश, क्या होगा यहाँ पे, क्या फील करेंगे आप, इन्वॉल्व करेंगे, इनरीच करेंगे, इनविगोरेट करेंगे या फिर इंटरेस्ट करेंगे? आंसर कर दिया आप सभी लोगों ने, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इनविगोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अगर आपको किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आंसर करिए नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस पढ़िए, एन ओल्ड misunderstanding exist among the two families so they are not friendly anymore। यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत आपको लग रही है कि है, अगर है तो क्या है, आपके पास चार ऑप्शन है, आंसर करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी exist between, among की जगह पे यहाँ पे होगा between the two families। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है आपको,
इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. सेंटेंस है आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टूडे शी सेट. इस सेंटेंस में आपको कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर दिखाई दे रहा है, अ लॉट ऑफ पे, सी शेट पे, या फिर आई डन पे, या फिर वर्क टूडे पे. आंसर कर दिया आप लोगों ने. राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आई डन. आई डन यहाँ पे नहीं होगा, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम. इस ईडियम का मीनिंग बताइए. सेंटेंस है दीज ग्लासेस सूट यू टू अ टी, सेट रिया टू वंदना. सूट यू टू अ टी, इसका मीनिंग बताइए. आंसर कर दिया आप सभी लोगों ने. सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस. सूट यू टू अ टी, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम. फ्यूज का सिनोनिम बताइए. फ्यूज एक वर्ब है. आपके पास चार ऑप्शन है, करेक्ट, अनयूज्ड, ब्रेक, या फिर कंबाइन. आंसर कर दिया आप लोगों ने. राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंबाइन. फ्यूज का सिनोनिम होगा, पर्यायवाची होगा कंबाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनिम. एनोनिम बताइए. इल्यूमिनेट का, इल्यूमिनेट का विलोम शब्द बताइए क्या होगा. ऐड होगा, इरेज होगा, लाइट होगा, या फिर डार्केन होगा. सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डार्केन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इल्यूमिनेट का एनोनिम डार्केन होता है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपको. सेंटेंस पढ़िए. इन एंशियंट ग्रीस वुमेन वर नॉट अलाउड टू डैश इन द ओलंपिक गेम्स. बताइए डैश की जगह पे क्या फील करेंगे आप, कंप्लीट, कोलाइड, कंपाइल, या फिर कॉपी. सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंप्लीट. इन एंशियंट ग्रीस वुमेन वर नॉट अलाउड टू कंप्लीट इन द ओलंपिक गेम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो कि क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन नंबर 19 है ही हार्डली डज एनी वर्क डैश. यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन टैग यूज होगा, डज नॉट ही, डज ही, डोंट आई, या फिर डू आई. सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डज ही. किसका किसका सही हो रहा है, डज ही इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी, ही हार्डली डज एनी वर्क, डज ही. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन नंबर 20. देयर इज नो वाटर डैश. यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करेंगे आप, देयर इज नो वाटर. वर देयर, आर देयर, इज देयर, या फिर इज नॉट देयर. तो यहाँ पे पहले आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है. आंसर कर दिया आप लोगों ने. सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इज देयर. देयर इज नो वाटर, इज देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Among the following factories in Bengal, the one established by the Dutch was. यानी बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था. कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, बंदेल, चिंसूरा, श्रीरामपुर, या फिर हुगली. सही जवाब होगा चिंसूरा, ऑप्शन बी, चिंसूरा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैस्ड. निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है. चार ऑप्शन है आपके पास और बताइए किन में से कौन सा सुमेलित है. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली वॉज डिफिटेड. यानी प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था. दूसरा है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली डिफिटेड द ब्रिटिश. यानी द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया. ऑप्शन सी है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान वॉन द बैटल एंड डिड नॉट गिव हिज लैंड टू द ब्रिटिश. यानी तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया. एंड ऑप्शन डी है चतुर्थ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन द मिड ऑफ द बैटल. चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ. तो बताइए इसमें से बतानी है कि कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा मैच हो रहा है. सही जवाब है ऑप्शन डी, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सेपॉयस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबलियंस. निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था. इनमें से कौन विद्रोही बनाने का कारण नहीं था. आंसर करिए, पॉज करिए, इसको देखिए, सारे को पढ़िए. राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में इसको कीजिए। परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़पने की नीति, सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि, और पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। इसको एकदम सही क्रम में आप लगाइए। सबने लगा लिया सही क्रम में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले होगा परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद सब्सिडरी अलायंस आई, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, उसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स इज नॉट ट्रू, यानी वॉरेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? वॉरेन हेस्टिंग के न्याय सुधारों से संबंधित, चारों ऑप्शन देखिए, पॉज करिए इसको, चारों ऑप्शन को पढ़िए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स हैड अरेंज्ड दैट ईच स्टेशन शुड हैव अ म्यूनिसिफ, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक थाने में एक मुनसिफ हो, मुनसिफ, इट्स मुनसिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म ड्रेन थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाई दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? बताइए, अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित, ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है? बताइए, ये दोनों को देख लिया पॉज करके आप लोगों ने, तो दो ऑप्शन नीचे की और भी देख लीजिए, क्या ये है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, that a part of India's national wealth or total animal product was being exported to Britain for which India got no material returns, यानी भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई भी वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये है अपवाद सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, By which year first cotton mill was established at Mumbai? प्रथम कपड़ा मिल बम्बई में किस वर्ष स्थापित की गई? आंसर करिए। राइट आंसर होगा 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, The term imperial preference was applied to the, यानी शब्द imperial preference का प्रयोग किया जाता था, किस लिए किया जाता था? चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कौन था? सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, In 1806, Sepoy revolt occurred in Vellore. Consider the following factors in that contest. यानी 1806 में वेलोर में सैन्य द्रोह हुआ, इसके लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। 1806 में वेलोर में सैन्य विद्रोह हुआ, इसके लिए जो कारक नीचे दिए हैं उस पर विचार कीजिए इसको देख के, और नीचे आपको कोड मिलेगा, कोड के जरिए अपना आंसर करिएगा। सबने चारों स्टेटमेंट देख लिया होगा, अब नीचे आपको कोड मिलेगा, कोड के जरिए बताइए कि कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। 1806 में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ, इसके लिए जो कारक था वो था सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई और सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके, राजा राम मोहन रॉय हैड ऑर्गेनाइज द फर्स्ट इंटरकास्ट मैरिज अंडर द ब्रह्म समाज, यानी राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया। और दूसरा स्टेटमेंट है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। केशव चंद्र सेन हैड मेंशन द बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्म समाज इन हिज बुक ब्रह्मोधर्म। तो दोनों स्टेटमेंट आपने देख लिया और बताना है कि इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। अब नीचे आपको कोड मिलेगा, कोड के जरिए बताइए कि कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर होगा पहला और दूसरा, दोनों, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1873 हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज, किसने 1873 में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? आंसर करिए। राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है। आंसर कर दिया आप लोगों ने। सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करनी है। सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या श्रीमती सरोजनी नायडू, बताइए। चारों देख लिया आप लोगों ने, कोड के जरिए अपना आंसर करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले महात्मा गांधी, फिर श्रीमती सरोजनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कथनों पर कोड पे अपना सही उत्तर चुनिए। एसर्शन एंड रीजन है। एसर्शन ए है, यानी कथन कह रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने, मिस एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया, और इसका कारण दे रहा है कि वो एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। तो बताइए क्या ये दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अब नीचे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, बताइए कि कौन सा इसमें से सही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य वॉज, यानी महात्मा गांधी के राम राज्य की संकल्पना क्या थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य विहीन समाज, अ स्टेटलेस सोसाइटी। नेक्स्ट, लॉरेंज कर्व शोज, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आंसर होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण। नेक्स्ट, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? आंसर करिए फटाफट। राइट आंसर होगा जुलाई, जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन एट अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? बताइए क्या होता है इनमें से। सही जवाब होगा सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती है। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज, यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? आंसर करिए, किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? सभी लोगों ने कर दिया, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाई इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। सही जवाब होगा एयर, यानी वायु, जीवाणु है, वनस्पति है, एनिमल है, लेकिन एयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लानेट अर्थ, यानी निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है या फिर योगदान करते हैं? आपके ऑप्शन है वोल्केनिक एक्शन यानी ज्वालामुखी क्रिया, रिस्पायरेशन यानी श्वसन, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, एंड ऑप्शन फोर है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैव पदार्थ का क्षय। अब नीचे आपको कोड मिलेगा जिस कोड के जरिए आपको अपना आंसर करनी है, फटाफट आंसर करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा, ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन और जैव पदार्थ का क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 43,
इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, यानी राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन देखिए और अपना आंसर चूज करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बट, यानी एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु परंतु क्या होगा? ऑप्शन देखिए आंसर करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सून एज ही इज इलेक्टेड, यानी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, यानी संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? सभी ने आंसर कर दिया। सही जवाब होगा द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या फिर किनको संसद के पटल पर रखवाएं। क्वेश्चन देखिए पॉज करके और ये है आपके ऑप्शन और नीचे आपको कोड मिलेगा, ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने। अब इस कोड के जरिए अपना आंसर करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, सभी संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी निम्नांकित में से कौन राष्ट्रपति का स्वविवेकी शक्तियां हैं, इनमें से कौन राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। पॉज करिए और इन सारे ऑप्शन को देखिए, पूरे 7th ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन देख लिया, 8 ऑप्शन है टोटल इसमें। पॉज कर करके देखते रहिए। पहला, चलिए मैं बोल ही देती हूँ, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। दूसरा है संसद का अधिवेशन बुलाना। तीसरा है किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना। चौथा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति। पांचवा है राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना। छठा है किसी विधेयक को रोक करके रखना। सातवा है किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। और आठवा है किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तो आंसर बताइए ए बी सी डी ई, कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पहला तीसरा छठा और आठवा। पहला तीसरा छठा और आठवा, फर्स्ट थर्ड सिक्स्थ एंड एट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, यानी 1 बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? आंसर करिए फटाफट। सही जवाब होगा फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट, रेमंड सैम्यूल टॉमिलसन इज फेमस फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। रेमंड सैम्यूल टॉमिनल निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ईमेल, ऑप्शन ए ईमेल। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन 1970s बाय। यूनिक्स ऑपरेशन सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? सभी ने आंसर कर दिया। सही जवाब होगा बेल लैब्स के द्वारा। नेक्स्ट, हाउ मैनी बीट्स डज एन आईपी एड्रेस कंटेन, एक आईपी एड्रेस में कितने बीट्स होते हैं? फटाफट आंसर करिए। 32 बीट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, The specific odor of garlic is due to. The specific odor of garlic is due to. यानी लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है? बताइए लहसुन में गंध का कारण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अ सल्फर कंपाउंड, सल्फर यौगिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स दे कॉलम, जहाँ पे आपको ड्रग्स, एक लिस्ट में आपको ड्रग्स और केमिकल्स दिखेंगे और दूसरे में उनके यूजेस क्या हैं, औषधि और रसायन और उनके क्या यूज हैं। आपको इस तरीके से मैच करनी है केमिकल और औषधि को और उसके क्या क्या यूज है उसके अनुसार, और नीचे कोड है उसके जरिए आप अपना आंसर करिए। ए है एट्रोपीन, बी है ईथर, सी है नाइट्रोग्लिसरीन और डी है पायरेथ्रियन। तो बताइए इसके क्या क्या यूज़ है, एट्रोपीन का क्या यूज़ है, इथर का क्या यूज़ है, नाइट्रोग्लिसरीन का क्या यूज़ है, पायरेथ्रियन का क्या यूज़ है। आपके पास सीधा ऑप्शन है, मैच करिए सब में, नीचे कोड है, कोड के जरिए अपना आंसर करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एट्रोपीन, तारा विस्फारण, ईथर, लोकल एनेस्थेसिया स्थानीय संज्ञाहरण, ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन, ये मैच करेगा हार्ट ट्रबल पे, हृदय की तकलीफ के लिए होता है ये औषधि, और पायरेथ्रियन, पायरेथ्रियन होता है मॉस्क्यूटो कंट्रोल करने के लिए, मच्छर नियंत्रण के लिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किन किन का सही है आंसर करिए अपना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज, पेस मेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, आंसर करिए। सही जवाब होगा एस ए नोट्स। क्वेश्चन नंबर 55, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब असर्शन एंड रीजन आपको मिलेंगे, कथन और कारण है। कथन है यानी असर्शन है, इंटेंस लाइट इज अनडिजरेबल अनडिजरेबल एट बेड टाइम, यानी सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, और इसका कारण दे रहा है कि मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय इंटेंस लाइट, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो दोनों आपने पढ़ लिया, अब नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन के जरिए अपना आंसर चूज करिए। सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, विच हार्मोनिक स्टिमुलेट्स द थायरॉयड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरोक्सिन, यानी थायरॉयड ग्रंथि से थायरोक्सिन श्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, बताइए TSH है, FSH है, LTH है या फिर ACTH है। सही जवाब होगा आप लोगों का TSH। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वृक्क में उत्सर्ग यानी अपचयन के बाद स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। दूसरा है, बोमल संपुट में निष्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहाँ पे अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। दोनों पढ़ लिया आप लोगों ने, अब बताइए कि करेक्ट कौन सा होगा। ऑप्शन है आपके पास ABCD। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है किडनी के बारे में, किडनी के वर्क के बारे में, क्या क्या काम करता है किडनी। क्वेश्चन नंबर 58, दी ब्लड प्रेशर इज अवर बॉडी इज, सॉरी दी ब्लड प्रेशर इन अवर बॉडी इज, मतलब हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, रक्त का दाब क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, क्या होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर के रक्त का दाब। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असर्शन एंड रीजन है। कथन है, ए भी रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग का आधार ले सकता है, यानी कि ये सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स है, और इसका कारण दे रहा है कि ए भी रुधिर वर्ग में दोनों प्रतिरक्षी ए व बी होते हैं। तो बताइए क्या ए और बी दोनों, ए और आर असर्शन और रीजन दोनों सही है, और अगर सही है तो क्या आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, कर रहा है तो अपना ऑप्शन के जरिए अपना आंसर करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन है, रिच एंड पुअर बोथ आर मेलनोराइज्ड इन इंडिया, यानी भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, और इसका कारण दे रहा है कि द रिच कंज्यूम एमएस फूड एंड पुअर ईट अननोरिस्ड फूड, यानी अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। तो बताइए कि दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय खाद्य निगम के लिए, इंग्लिश आप खुद से देखिए क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो पॉज करके आप खुद से भी पढ़ते रहिए क्वेश्चन को। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस, यदि कुछ है बोनस तो उसके साथ साथ और क्या शामिल है। क्वेश्चन समझ में आ गई, आंसर आपके सामने है, ऑप्शन बताइए क्या क्या शामिल है। राइट आंसर होगा,
प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी प्रापर प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान का शुभारंभ किया गया? आंसर करिए। सही जवाब होगा स्वच्छता ही सेवा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार भारत में असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया योजना के द्वारा निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी साल 2025 तक कितने परसेंट हो जाएगी? राइट आंसर होगा 3.5%। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार भारत में प्रशासनिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर कितने जिलों की उद्यमिता पर गौर किया गया है? कितने जिलों पर बताइए। राइट आंसर होगा मोर देन 500, 500 से अधिक। केंद्रीय बजट 2020-21 में आयकर ब्रैकेट 12.5 to 15 लाख का आयकर प्रतिशत क्या है बताइए। सही जवाब होगा 25%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बजट 2020 का मुख्य विषय नहीं है? राइट आंसर होगा हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास। नेक्स्ट, सातवें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? सही जवाब होगा लखनऊ में। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां स्थित कन्वेंशन सेंटर में सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 यानी GFR 2017 ई प्रोक्योरमेंट एवं GEM पर पहले क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? सही जवाब होगा जम्मू में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जनवरी 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की ऊर्जा नीति की समीक्षा लॉन्च की गई, ये समीक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? सही जवाब होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा तैयार की जा रही। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय टेलीकॉम किस प्रमुख विदेशी निवेशक के माध्यम से एयरटेल में 4,900 करोड़ रुपीस की FDI प्राप्त करने का इच्छुक है और इस उद्देश्य हेतु दूर संचार विभाग को आवेदन किया है? आंसर करिए। सही जवाब होगा सिंगलेट। नेक्स्ट, हाल ही में किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है? सही जवाब है सांभर झील। नेक्स्ट, रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम परिवर्तित कर निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। मौजूदा समय में रिलायंस म्यूचुअल फंड में निप्पन लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी कितनी है? सही जवाब है 75%। नेक्स्ट, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? फटाफट आंसर करिए आप लोग। सही जवाब होगा यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, 14 अक्टूबर 2019 के लिए सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की घोषणा मलेशिया के पेहांग में आयोजित एक समारोह में की गई, इसमें इस पुरस्कार हेतु कितने भारतीय स्थल चयनित किए गए हैं बताइए। आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 को HDFC के द्वारा अपोलो म्यूनिक का अधिग्रहण कितने करोड़ रुपए में किया गया? सही जवाब है 1,495.84 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, सही कथन का चुनाव कीजिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों ब्लॉकों का निर्माण सुधार के लिए संभावित मार्ग नामक रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मुद्दे को केंद्र में रख करके भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रस्तुत किया गया, तो बताइए दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट,
रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेक प्लेस व्हेन, यानी साझेदारी का समापन अवश्य हो जाना चाहिए जब, सही का जवाब होगा जब एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, अ पार्टनर डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंशों के पुनर्गमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, किसमें हस्तांतरित किया जाता है? राइट आंसर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूंजी संचय खाते में। नेक्स्ट, सामाजिक लेखांकन का उद्देश्य पता लगाना है, क्या पता लगाना होता है? समाज को होने वाले लागत एवं लाभ का, कॉस्ट एंड बेनिफिट टू सोसाइटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूल्यांकन की पूंजीकरण पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित के मूल्यांकन में किया जाता है, बताइए किसके मूल्यांकन में किया जाता है? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग। सही जवाब होगा गुडविल, ख्याति। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, फॉल्स है? पहला दिया है लेखांकन को सामान्यतः व्यवस्था की भाषा माना जाता है। दूसरा है लेखांकन सिद्धांतों के बारे में अनेक विचारधाराएं हैं। तीसरा, लेखांकन में रूढ़िवादिता के सिद्धांत की कोई प्रयुक्त नहीं है। और चौथा है, लेखांकन लेखांकन समीकरण पर आधारित है। तो इसमें से गलत बतानी है, कौन सा गलत है बताइए? सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेखांकन में रूढ़िवादिता के सिद्धांत की कोई प्रयुक्ति नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, साख पत्र यानी लेटर फॉर क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट खोला जाता है, किस दशा में खोला जाता है? सही जवाब होगा विदेशी व्यापार में, फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट, संगठन के लिए उपलब्ध प्रत्याशित संसाधनों के साथ दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या प्रयास किया जाए, ये निश्चित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं? सही जवाब होगा सामरिक नियोजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून बीमा को हतोत्साहित करने के लिए बीमा कंपनी जोर देती है, किस पर जोर देती है? औसत वाक्य पर, एवरेज क्लॉज। नेक्स्ट, जब कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वो क्या कहलाती है? व्हेन कस्टम ड्यूटी इज लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ गुड्स इट्स नोन एज। सही जवाब होगा स्पेसिफिक ड्यूटी, विशिष्ट शुल्क। नेक्स्ट, स्वॉट इज यूज फॉर, स्वॉट का प्रयोग होता है, किस लिए प्रयोग होता है स्वॉट का? सही जवाब होगा नियोजन के लिए, प्लानिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, एक सामुद्रिक बीमा पॉलिसी में RD उपवाक्य का अर्थ क्या होता है? घटी क्षति उपवाक्य, प्रतिबंधित क्षति उपवाक्य, क्या होता है इन दोनों में? अवर्ती क्षति उपवाक्य या फिर परिचलित उपवाक्य? सही जवाब होगा रनिंग डाउन क्लॉज, परिचलित उपवाक्य, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए कुछ माल बी के पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए छोड़ देता है, इस माल में बीमा योग्य हित किसका होगा? राइट आंसर है ए और बी दोनों का होगा। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड का चालू अनुपात 2:1 है और शीघ्र अनुपात 1:5:1 है, यदि चालू दायित्व 80,000 रुपीज़ है तो स्टॉक का मूल्य क्या होगा? पॉज करिए और सॉल्व करिए और बताइए स्टॉक का मूल्य क्या होगा। सही जवाब है 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक चालू दायित्व में सन्निहित नहीं होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ करेंट लाइबिलिटी? सही जवाब होगा संभाव्य दायित्व, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेखांकन मानदंडों का प्रतिपादन होता है, किसके द्वारा होता है? सही जवाब होगा ICAI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयंत्र एवं मशीन की स्थापना हेतु किए गए व्ययों को समझा जाएगा, एक्सपेंसेस इंक्योर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज। सही जवाब होगा पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 93, एक संतोषजनक मजदूरी प्रणाली के आवश्यक तत्वों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? Essentials of satisfactory wages system do not include. ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने, सही जवाब होगा
इक्वलिटी ऑफ ऑल वर्कर्स, सभी श्रमिकों की समानता। क्वेश्चन नंबर 94, विक्टर ब्रूम वॉज द प्रोपाउंडेड ऑफ, यानी विक्टर ब्रूम किसके प्रतिपादक थे? आंसर कर दिया आप लोगों ने। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूल्य प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक थे, वेलविंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 95, रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा? सही जवाब है संपत्तियों का अवमूल्यन, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। क्वेश्चन नंबर 96, यदि विक्रय 14,900 रुपये है तो सकल लाभ 3,300 रुपये है, 3,300 रुपये, शुद्ध हानि 500 रुपये है, तो परिचालन व्यय क्या होगा? पॉज करिए, सॉल्व करिए और परिचालन व्यय निकालिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी। सही जवाब होगा 3,800 रुपीज, 3,800 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 97, साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार किस दर से दिया जाएगा? बताइए किस दर से दिया जाएगा, 5%, 6% या फिर 9%? सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, none of above। Assertion and reason, कथन है, कथन या अभी कथन कह सकते हैं, बेंगलोर वाटर सप्लाई मामले से पहले शैक्षणिक संस्थाओं को उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा गया और इसका कारण दे रहा है कि ऐसी संस्थाओं का मुख्य प्रयोजन शिक्षा देना है और तथा न कि कारोबार या व्यवसाय करना। तो बताइए दोनों सही है, ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करिए। राइट आंसर होगा कि दोनों ही सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अब आपके सामने आता है लिस्ट और आपको इसको मैच करनी है, इस लिस्ट को। फर्स्ट जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये लिस्ट सब्जेक्ट है और ये जो सेकंड है ये उसका प्रोविजंस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 यानी व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के प्रावधान है इस विषय पे, और इसको अब आप मैच करिए। पहला है रजिस्ट्रार की नियुक्ति, दूसरा है अपील, तीसरा है व्यवसाय संघों का सम्मेलन और ऑप्शन डी है पंजीकरण को रद्द करना। तो ये किस अधिनियम, इसका क्या क्या प्रावधान है बताइए, कौन सा एक्ट लगेगा, कौन सा प्रावधान है, इस कोड के जरिए अपना आंसर करिए। सबने आंसर कर दिया होगा, सही जवाब है ऑप्शन सी, जो मैच होगा पहले का तीसरे में मैच होगा, दूसरे का चौथे में मैच होगा, तीसरे का पहले में मैच होगा सेक्शन 24 और चौथे का दूसरे में मैच होगा सेक्शन 10। किसका किसका इस क्रम में सही उत्तर है बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 100, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 9A के अनुसार व्यवसाय संघ के लिए न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है, कितने सदस्यों की आवश्यकता है बताइए। सारे ऑप्शन देख लिए आप लोगों ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्मकारों को 10% या फिर 100, जो भी कम हो लेकिन कम से कम 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत सुलह कार्यवाही की विफलता से मामला अधिनिर्णयन हेतु किसे भेजा जाता है बताइए, किसको भेजा जाता है। राइट आंसर होगा द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, उपयुक्त सरकार को। नेक्स्ट, लेबर लॉ कवर्स, श्रम कानून आच्छादन करता है, किसका आच्छादन करता है। सही जवाब होगा ऑल ऑफ अबव, सबका, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, औद्योगिक संबंध का, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी का और एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 2 के किस उपधारा के अंतर्गत पेंशन फंड स्थापित किया जाता है। द एम्प्लॉयज पेंशन फंड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ डैश। राइट आंसर होगा सेक्शन 6A, धारा 6 के उपधारा ए के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अधिकतम उपकृत की राशि कितनी है। राइट आंसर होगा 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इन सभी पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? मिनिमम वेजेस एक्ट। आंसर कर दिया आप लोगों ने, सही जवाब होगा शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, नियोजित रोजगार पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एक फर्म में 70% कर्मचारी पुरुष हैं, 30% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या का कितना परसेंट है? पॉज करिए एंड सॉल्व करिए, आंसर बताइए। सही जवाब होगा 73%। अगर क्वेश्चन आपका मैच कर रहा है आंसर, तो अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर मैच कर रहा है, आप सही हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। सबसे छोटा पूर्णांक बतानी है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो सबके लिए। -1 होगा इसमें से तो, क्योंकि ये नेगेटिव में है, बाकी सारे पॉजिटिव में है। अगला क्वेश्चन, इफ एक्स इक्वल टू 3 - √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² + 2x - 4। पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन सी, 35 - 20 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले एक गोले का गोले तथा त्रिज्या r एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करनी है। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस r एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट 2r। पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 2:3। नेक्स्ट, अंजलि एक काम को 10 दिन में पूर्ण कर सकती है, बानू इसे 5 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूर्ण हो जाएंगे बताइए। M1D1 / M2D2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग। सभी ने सॉल्व कर लिया, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 days 8 hours, 3 दिन 8 घंटे। M1D1 / H1 / M2D2 / S2 घंटा है इसमें इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले 10 पूर्ण संख्याओं का, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। सबने आंसर कर लिया 0, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि केवल विकर्णों के माप दिए गए हों तो इनमें से किस चतुर्भुज का निर्माण किया जा सकता है? एक वर्ग, दूसरा आयत और तीसरा समचतुर्भुज। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। जिनका जिनका सही आ रहा है अपना जवाब दीजिए कि हाँ आप सही हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों एवं केंद्रों के बीच की दूरी d है, उनके सीधी समान स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, आपका आंसर आना चाहिए √d² - R1 - R2 होल R1 - R2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंटनों का माध्य यानी मीन्स 14 है और मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक आपको ज्ञात करनी है। पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 35.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को ₹2,400 में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए आपका ₹4,000, ₹4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शंकु के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 है, उनकी तिर्यक ऊंचाई 1:2 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्या का अनुपात आपको निकालनी है। पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आनी चाहिए 4:1। जिन जिन लोगों का ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है वो। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1,386 m² है। पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 4,851 m³। अगला क्वेश्चन, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हो गई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात आपको ज्ञात करनी है। पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए आपका 99:100। जिन जिन लोगों का ये आंसर आ रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आप सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल
24,200 वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर है, 4.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, किसी व्यक्ति को इसे विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा? पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। सही जवाब आपका आना चाहिए 3 मिनट। एंड लास्ट क्वेश्चन, 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य आप बताइए कि क्या होगा? पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। सही जवाब आपका आना चाहिए 1190 रुपये। और जिन जिन लोगों का 1190 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, और कमेंट करके बताइए कि आप बिल्कुल सही हैं। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि आपके टोटल 120 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। किन किन लोगों का कितना मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।